हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं गया था चाइना ढूंढने नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, और वहां पर जब मैं ट्रैवल करता मुझे ध्यान में आया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी आप ट्रैवल करते हो होती है लगेज को लेकर, और यहाँ पर मेरे पास है उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन। वेल दोस्तों, चाइना में मैंने ढूंढे थे स्मार्ट लगेज के ऑप्शंस, और वहाँ पर मुझे मिल गई ये कंपनी जिसका नाम है फॉरवर्ड एक्स, और ये उनका एक बैग है जिसका नाम है ओविस। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस का अमाउंट रेज किया था इंडीगोगो पर, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसको ऑर्डर किया था, और ये है उनका लेटेस्ट बैग जिसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे ये आपके लिए प्रैक्टिकल बैग हो सकता है जब आप रेगुलरली इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो। सो लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विद दी अनबॉक्सिंग ऑफ दिस ओविस स्मार्ट लगेज। दोस्तों ये है ओविस का बैग, और सबसे पहली बात तो काफ़ी ग्लॉसी इसीलिए है ताकि लोगों को दिखे कि दूर से एक ऑटोमेटिक सेल्फ वॉकिंग बैग आपकी तरफ आ रहा है। इनफैक्ट जब भी आप इसके हाथ को ऊपर निकालते हो हैंडल को, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल सेंसर्स और कैमराज मिल जाएंगे, और ये काफ़ी ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड है। मतलब नॉर्मली आपको नहीं लगेगा इतना सारा टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। पीछे की तरफ आपको एक पैनल मिल जाता है जहाँ पर आपको मिल जाएगा ये बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ पर आपकी ये बैटरी इंटीग्रेटेड रहेगी। हालांकि अगर आप सिक्योरिटी क्लियर कर रहे हो एयरपोर्ट के ऊपर, तो आप इस बैटरी को बाहर भी निकाल सकते हो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये है बैटरी, जहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि बैटरी कितनी फुल है कितनी एम्प्टी है, और इनफैक्ट आप इस बैटरी पैक को एक पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं इस बैटरी की, तो यहाँ पर इस बैटरी की कैपेसिटी है 5200 mAh, और ओवरऑल बैग का वेट भी काफ़ी हल्का ही है कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी विच यू गेट विद इन द सेम। इनफैक्ट इसी के साथ साथ आपको इस कंपार्टमेंट के अंदर आपको पावर अडैप्टर्स मिल जाएंगे और चार्जिंग के लिए अडैप्टर्स मिल जाएंगे, प्लस एक छोटा सा पाउच इन केस आप इसको बाहर लेके जाना चाहते हो और ट्रैवलिंग में इसको सेपरेटली चार्ज करना चाहते हो। तो चलिए करते हैं सेक्शन को बंद और देखते हैं दूसरे एरियाज को। सबसे पहली बात तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपको यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल TSA अप्रूव्ड लॉक मिल जाएगा, और इसके बाद हम खोलते हैं इस बैग को, और जैसे आप इस बैग को खोलते हो आपको एक बहुत ही सही कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप इन फ्लैप्स को इस तरह से खोल सकते हो, और आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। इनफैक्ट आप यहाँ पर इन छोटे छोटे पाउच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर सब कुछ ब्लॉक्ड है, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर है इसकी मोटर, इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ यहाँ पर स्थित है। प्लस इसके अलावा द सेम स्पेस ऑप्शंस यू गेट ऑन द फ्रंट जो है यहाँ पर, और काफ़ी स्पेशियस है आई वुड से दिस बैग इज़। एंड इसके बाद जैसे आप इसको बंद करते हो, यू आर डन, आप इसको यहाँ पर लॉक कर सकते हैं एंड यू आर सॉर्टेड। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की। दोस्तों ये है रेगुलर व्हील्स जो आपको किसी भी लगेज के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट दिस स्मार्ट लगेज ये व्हील्स बाहर आते हैं, और उसके बाद पूरा बैग इन व्हील्स के ऊपर होता है। प्लस जब भी आप इसको मैन्युअली कंट्रोल करना चाहते हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक कंप्लीट डेमो। अब चलिए मैं बात करता हूँ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की। और दोस्तों जब भी आप इस टाइप के बैग को यूज़ करते हो एयरपोर्ट में, इस बैग को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक ट्रैकर, और वो रहा मेरे पास यहाँ पर। इस ट्रैकर के ऊपर आपको सिंगल बटन मिल जाता है जहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि दिस इज़ इनेबल्ड, और उसी के साथ साथ आपको इस बैग के ऊपर भी एक बटन यहाँ पर मिल जाता है जिसको आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, इंडिकेशन आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा, और जैसे ही दोनों को सिंक हो जाएगा, मतलब दिस वुड टेक अराउंड 10 to 15 seconds फर्स्ट टाइम होने के लिए, उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यूसली ब्लू लाइट आ जाएगी, और उसके बाद कंप्लीटली ग्रीन लाइट, एंड देन यू आर गुड टू गो। और दोनों यहां पर सिंक हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ बाय प्रेसिंग दिस बटन, और उसके बाद नीचे से व्हील्स निकल के आ जाएंगे, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो लेट्स गो फॉर अ क्विक वॉक, और मैं आपको दिखाता हूं इसका एक कंप्लीट डेमो।
So, दोस्तों यहाँ पर बैग सेट हो गया है. आपने देखा होगा कि इट्स नॉट परफेक्ट एवरीवेयर. लिफ्ट के अंदर इट कुडंट वॉक अराउंड और यहाँ पर भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है. इट जस्ट कीप्स हिटिंग मी फॉर सम रीजन, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड एक्चुअली वर्क. बट देन अगेन आई वुड से कि ये 100% परफेक्ट नहीं है, वो है मेरा आंसर. बट लेट्स गो ऑन अ क्विक वॉक एंड टेस्ट इट आउट. Now, अगर आपने अभी नोटिस किया होगा तो दिस इज नॉट 100% फ्लैट और इवन सर्फेस. यहाँ पर ये एयरपोर्ट की तरह स्मूथ नहीं है, बट द बैग वॉज परफेक्टली फॉलोइंग मी एंड आई थिंक देर वॉज अ 5 kg बैग इनसाइड बॉक्स इनसाइड दिस. तो इट्स परफेक्टली वर्किंग एंड इनफैक्ट जैसे ही मुझे ये चाहिए अपने हाथ में कंट्रोल, तो वो कंट्रोल भी आ जाता है. बट देन एट द प्राइस आई वुड से इट्स लिटिल ओवर प्राइस. अभी इसकी प्राइस है चाइना में अराउंड 50,000 रुपीज और मे बी अराउंड 40,000 रुपीज. देर आर टू डिफरेंट मॉडल्स, लेकिन I think this is the beginning of super smart luggage options and that's the future. क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजीज हमें हर जगह देखने मिलेंगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक अ पावर बैंक एंड अ बैग विच फॉलोज यू. सो लेट मी जस्ट गो ऑन माई नेक्स्ट ट्रिप ट्रैवलिंग विद दिस बैग एंड एन्जॉय द एक्सपीरियंस. वैसे आप क्या चाहते हो, कुछ इस तरह के और इंटरेस्टिंग या फिर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की हम लोग अनबॉक्सिंग करें या ना करें? फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपने इस तरह की टेक्नोलॉजी को पहली बार देखा है, और सब्सक्राइब रहे इस चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. By the way guys, just wanted to update one more thing. अगर आपको लगा कि एयरपोर्ट में सडनली कोई आ गया है तो बैग ऑटोमेटिकली साइड हट जाता है, लेकिन अगर आपको लगा कि मुझे किसी स्टोर में जाना है और वहाँ पर मुझे कुछ काम है, एनीथिंग एज सच, तो आप इसको इंस्टेंटली पकड़ सकते हो एंड द मोटर चेंजेस टू द मैनुअल मोड और इसको आप मैनुअली कुछ इस तरह से यूज़ करके जा सकते हो. थैंक यू.